이게 저 화면 눈썹 무슨 소리야? 오케이 왜? What's happening guys and welcome to Auto Tattva. तो guys आज के इस vlog में ना मैं आपसे बात करने वाला हूँ alloy wheels के बारे में. अब आपको मालूम ही है कि alloy wheels जो है वो car makers जो है एज एन ऑप्शन देते हैं. स्टैंडर्ड एक्सेसरी होता है बट ऑन दी हायर एंड वेरियंट्स. लेकिन जो नॉर्मली बहुत सारे बजट कार्स हैं या जिनमें एलॉय व्हील्स जो है नहीं आते हैं उनके लिए भी बहुत सारे लोग जो है नए एलॉय व्हील्स ऑप्ट करते हैं, आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स ऑप्ट करते हैं. कंपनीज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं बट देयर ऑल एज एन ऑप्शन. आपको ज़्यादा जो है उसके लिए पैसे शेड आउट करने पड़ते हैं टू गेट देम. अब कंपनीज में जो है एलॉय व्हील्स बहुत टाइम तक लिमिटेड रहते हैं फॉर पर मॉडल, लेकिन आपको जो है दूसरे कंपनीज के थ्रू जो है बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे. तो आज इस व्लॉग में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल ऑप्टिंग फॉर न्यू अलॉय व्हील्स फॉर योर कार. इसी के बारे में व्लॉग होने वाला है तो नीचे जो लाइक बटन उसको दबाना मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो. और अगर अभी तक ऑटोमोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव की दुनिया से कुछ ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं. चलो फिर चलते हैं. पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एलॉय व्हील्स. गाइस यहां पे सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलॉय व्हील्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय से. तो इस वजह से इसका जो ओवरऑल वेट होता है ना वो लाइटर होता है व्हेन कंपेयर्ड टू आपका नॉर्मल स्टील. तो इस लाइटर वेट होने की वजह से आपको तीन चार फायदे मिल जाते हैं. सबसे पहला तो दोस्तों जो फायदा होता है अपार्ट फ्रॉम लुक्स, हाँ क्योंकि लुक्स तो भाई 90% लोग इसीलिए जाते हैं कि अलॉय व्हील्स जो उनके कार की लुक निखरती है, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडवांटेज है. तो इस लाइट वेट की होने की वजह से आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस मिलता है. बेटर परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है कि आप जो है पहले आपके कार में थोड़ी भारी रिम्स थे उसके बाद आपने जो है अलॉय व्हील्स लगवा दिए जो लाइटर है, तो इस वजह से आपको जो है बेटर एक्सेलरेशन में मदद मिलती है. आपके कार की ओवरऑल वेट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई तो स्लाइट डिफरेंस इन एक्सेलरेशन जो है आपको मिलता है विद अलॉय व्हील्स. सेकंड पॉइंट जो होता है दोस्तों वो होता है बेटर हीट डिसिपेशन का. अब गाइस क्योंकि अलॉय व्हील्स जो है वो लाइटर हैं और उसमें जो है एयर वेंटिलेशन सिस्टम व्हेन कंपेयर टू स्टील रिम्स जो है बेटर होते हैं, तो इस वजह से जो हीट डिसिपेशन है जो ब्रेकिंग के दौरान या इन जनरल जो हीट बनता है उसका जो डिसिपेशन होता है वो बेटर होता है इन अलॉय व्हील्स. अब इस हीट डिसिपेशन की वजह से आपको जो है ब्रेकिंग में भी काफी फर्क पड़ता है. जब हम ब्रेक्स लगाते हैं किसी भी कार में तो उससे जो है काफी हीट जनरेट होता है, और क्योंकि अलॉय व्हील्स में जो है उनके डिजाइन की वजह से जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो बेटर होता है, लाइट वेट है उसका डिजाइन जो है उसमें वेंटिलेशन बेटर है, तो इस वजह से आपकी ब्रेकिंग की जो है एफिशिएंसी वो अच्छी होती है, ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी एनहांस होती है. एक और पॉइंट है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके कार की हैंडलिंग भी जो है अलॉय व्हील से थोड़ी बेहतर होती है, ऑब्वियसली ड्यू टू लाइट वेट. एंड लास्टली ऑल्सो ड्यू टू लाइट वेट ऑफ द रिम्स ओनली आपको जो है माइनर ही डिफरेंस आता है, पर फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है. कई बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा आपको बेटर माइलेज जरूर मिलता है. और एक और जो एडवांटेज है वो है रस्टिंग और कोरोजन की. तो यूजुअली जो स्टील रिम्स में आपने देखा ही होगा अगर आपके पास कोई भी कार है कि पुरानी हो जाती है तो रस्टिंग वगैरह जो है उसमें देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन एलॉय व्हील्स में जो है ये चीज नहीं होती है. रस्टिंग या कोरोजन जो वो थोड़ी सी कम होती है व्हेन कंपेयर्ड टू द नॉर्मल स्टील व्हील्स. एक डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एक चीज है कि एलॉय व्हील्स जो है वो थोड़े कॉस्टली है, तो अगर आप एक एलॉय व्हील के नए अच्छे सेट लेने के लिए जाते हैं तो आपको उसके लिए अच्छा खासा पैसा जो है खर्चना पड़ता है. तो नॉर्मल स्टील व्हील्स है वो सस्ते आते हैं लेकिन एलॉय व्हील्स जो है वो थोड़े महंगे आते हैं. एक और जो कौन मैं कह सकता हूँ वो है कि इनको जो है रिपेयर करना थोड़ा हार्ड होता है, और कभी कभी अलॉय व्हील्स जो है अगर वो ऐसे किसी कंडीशन में चले गए ऐसे कि एक्सीडेंट हो गया तो वो अनरिपेयरेबल हो जाते हैं क्योंकि बेंडिंग वगैरह जो है ज्यादा देखने को मिलती है अलॉय व्हील्स. तो ये दो तीन चीजें हैं जो इनके कॉन्स में भी आते हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस है मैंने आपको बता दिया और डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको जो है बता ही दिया. अब मैं आपको बताऊंगा अबाउट फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल अपग्रेडिंग योर अलॉय व्हील्स.
व्हील साइज। अब अगर इस व्हील का अगर फॉर एग्जांपल साइज है 15 इंच, तो ये आपको जो है अलॉय व्हील्स भी उसी हिसाब से लेने हैं। यानी कि अगर आपका नॉर्मल स्टील व्हील का साइज है 15, तो यू हैव टू टेक द अलॉय व्हील्स ऑफ 15 इंच ओनली। तो जो पिच सर्कल डायमीटर है वो है बेसिकली आपका जो हब है, ये जो हब है आपका जहाँ पे आपकी व्हील की एक्सल आती है, आपकी कार की एक्सल आती है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी यूजुअल बोल्ट, यानी कि ये जो बोल्ट्स हैं उसके और हब के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको सेम रखना है, उसमें जो है आपको डिविएशन, अदरवाइज आपके जो अलॉय व्हील्स हैं वो सेट नहीं होंगे। उसके बाद आता है ऑफसेट। अब जो ऑफसेट है वो यूजुअली फॉर दी स्टैंडर्ड OEM कार्स वो जीरो ऑफसेट पे आता है, लेकिन आप जो है उसको 1 इंच का डिविएशन ला सकते। अब आता है विड्थ ऑफ द अलॉय, यानी कि ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो है अलॉय व्हील्स का वो भी आपको सेम ही रखना है, उस पर आपको ध्यान देना है। ये विड्थ कैसे होते हैं, जैसे इसके विड्थ की साइजिंग होती है फ्रॉम 6.5J, 7J, 8.5J, 9J। तो 6.5 इज द विड्थ ऑफ द एंड J इज द डिजाइन ऑफ द लिप। तो जो लिप का डिजाइन होगा चार चीजें बताई थी। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया था वो था व्हील डायमीटर। ये नॉर्मल स्टील रिम्स 14 इंच के फॉर एग्जांपल, तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो 14 इंच के ही अलॉय व्हील्स ले। अगर आप अपसाइज नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप अपसाइज करते हैं देन आपको आपके टायर्स को भी जो है उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है दोस्तों PCD, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था ऑफसेट। ऑफसेट हमेशा याद रखिएगा कि जीरो ऑफसेट ही OEMs जो है फॉलो करते हैं, बट हाँ 1 इंच का डिविएशन जो है एक्सेप्टेबल रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 इंच तक का जो है ऑफसेट का डिविएशन चलता है। नेगेटिव ऑफसेट से जो है वो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उससे हैंडलिंग बेटर होती है, बट आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज स्टिक टू दी जीरो ऑफसेट, क्योंकि ज्यादातर OEMs जो है जीरो ऑफसेट ही रखते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ योर कार। फोर्थ है गाइस विड्थ। तो विड्थ का भी हमेशा याद रखिएगा, अलॉय व्हील्स का विड्थ जो है वो 6J, 7.5J, 7J, 8J इस टाइप से आते हैं। इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा साइज के अगर आपने व्हील्स लगा लिए जो आपके कार के शायद फेंडर के साथ लड़ सकते हैं, या फिर ज्यादा भारी अलॉय व्हील्स जो है आपके कार के एक्सल वगैरह को जो है हानि पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। OEM स्पेसिफिक होके चलिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर हमेशा किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही जो इन चीजों को चेंज करें, उसके बिना जो है आप रिफ्रेन कीजिए, उससे बिना जो आप चेंज ना करें तो ही बढ़िया है। दूसरा है दोस्तों रेंज। अब अगर बजट की बात करें तो 3-4 हजार से लेकर आपको 50,000, 1 लाख तक के भी अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कंपनीज जो OEMs हैं वो भी आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड डिजाइन के आपको अलॉय व्हील्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको अलॉय व्हील्स देते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करूं तो वो है RT, ऑरा, नियो, HR रेसिंग। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको कई सारे शोरूम्स में और बड़े दुकानों में देखने को मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें कि प्रॉपर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, बढ़िया अलॉय व्हील्स में इन्वेस्ट करिए, कि ये जो व्हील और टायर्स यही जो चीज है दोस्तों, दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन योर कार एंड द रोड। तो इस पे जो है कोई भी आप जो है कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमेशा अच्छे ही प्रोडक्ट्स का जो है यूज करें। फिर हम इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया ना तो नीचे भाई लाइक का बटन उसको प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, शेयर करो किसी को अगर अलॉय व्हील्स के बारे में जानना है तो, और अपने सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सो गाइस एक और चीज है, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो, कुछ भी हो, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं काफी एक्टिव रहता हूं उन पे। एंड विद दैट गाइस, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गेयर एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल। आई मीन ये सही है, जमीन में बैठ के ना व्लॉग करने में काफी मजा आता है, मतलब बिल्कुल आराम से आप व्लॉग कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा जमीन पर बैठ के, सेहत के लिए भी अच्छा है। ओके गाइस बाय।